संसद के बजट सत्र में भले ही नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर हंगामा मच रहा हो, लेकिन विपक्षी सांसदों की तरफ से सदन में चर्चित विषयों पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। मंगलवार को ऐसे ही एक सवाल का जवाब देते हुए संस्कृति मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी या नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। सावरकर को लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जाता रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राज्यसभा में सवाल पूछा गया था कि क्या विनायक दामोदर सावरकर ने सेल्यूलर जेल में रहते हुए ब्रिटिश हुकूमत से माफी मांगी थी। इसके जवाब में संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि अंडमान निकोबार प्रशासन के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें इस बात की पुष्टि हुई हो। मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि अंडमान निकोबार के आर्ट एंड कल्चर विभाग की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसमें सावरकर की माफी मांगने को लेकर कोई पुष्टि की गई हो। सावरकर पर होता रहा है बवाल। गौरतलब है कि विनायक सावरकर को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और विरोधियों में विचारधारा की जंग चलती रहती है। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जाता है कि सावरकर ने अंग्रेजों से 6 बार माफी मांगी थी ताकि वह जेल से बाहर आ सके। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई बार आरोप लगाया है कि सावरकर उस विचारधारा का समर्थन करते हैं जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। एक भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि वो राहुल सावरकर नहीं है जो माफी मांगेंगे। भारत रत्न को लेकर होती रही है डिबेट। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व साथी शिवसेना ने कई बार मांग उठाई है कि सावरकर को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। इस मसले को लेकर शिवसेना और कांग्रेस के बीच अनबन भी रही जो मौजूदा समय में महाराष्ट्र में एक साथ सरकार चला रहे हैं। इसके अलावा कई बीजेपी और हिंदूवादी नेताओं ने सावरकर को भारत रत्न देने का मुद्दा उठाया है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।